पैदाइश हुई ना, उस वक्त सारे लोग प्रार्थना करने लगे। प्यारे दोस्तों, अभी यीशु मसीह सेठ बनकर आपके जीवन में आया है, लेकिन पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में आएगा, आपको प्रार्थना करनी होगी। और मैं चाहता हूं कि जो लोग आज अपनी जवानी के जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करना चाहते हैं, मेहरबानी करके आप आगे आ जाइए, किसी को मत देखिए। आपने केन को देख लिया, वो नाश में गया, आपने सारे उसकी जो पीढ़ी थी सारी पीढ़ी को देख लिया, कुछ नहीं मिला प्यारे दोस्तों उनको। लेकिन मैंने आखिरी सेठ की बात करी, और सेठ को जो अनोस हुआ उसके जन्म के बाद लोग प्रार्थना करने लगे। यदि संदेश मैं खत्म कर दूंगा तो आपके जीवन में कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए बिना प्रार्थना के मैं संदेश खत्म नहीं करूंगा। प्यारे भाई बहन, जवान लोग, भाई बहन, आप लोग आगे आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये जो वचन है आपके जीवन को बदल दे, बिना संकोच आप आगे आ जाइए। मैं आपके पाप के अंगीकार के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आपको परमेश्वर से करना है। मेरे आगे कुछ अंगीकार मत कीजिए। सारे भाई बहन जो लोग प्रार्थना के लिए चाहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑल्टर कॉल, यानी दयासन के पास मैं आपको बुला रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह आपको प्यार करता है। यीशु मसीह को यदि आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आ जाए। देखिए ये भाई के लिए मैं ताली बजाना चाहता हूं खुद, क्योंकि उसके अंदर वो पवित्र आत्मा काम कर रही है। प्यारे भाई बहन, आप संकोच करेंगे तो केन की तरह आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप आगे आइए, मैं किसी के सर पे हाथ नहीं रखूंगा, क्योंकि हाथ रखने वाला मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। जितने भी भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप आगे आ जाइए, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज रात को आप कैसे हो वो प्रभु जानता है, मैं मुझे मालूम नहीं है। आप अच्छा बनना चाहते हो, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। संकोच करोगे कहीं की तरह अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। यदि मैंने जो भी परमेश्वर के वचन के मर्म को आपके सामने पेश किया, आपके हृदय को यदि टटोल रहा है, आपके मन के अंदर कुछ काम कर रहा है, मेहरबानी करके आप आगे आइए, आगे आ जाइए, शर्माइए मत। यदि आप चाहते हैं कि ये जीवन यीशु को मैं समर्पण करूं, जिस तरह से रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन समर्पण के बारे में हमें सिखाता है। प्यारे भाई बहन, मैं इतना इसलिए झिझक रहा हूं, आपके लिए इतना बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन को प्रभु बदले। मैं तो एक प्रभु का छोटा सा दास हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। प्यारे दोस्तों, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे सकता हूं। मेरे पास जो था वो अध्याय 4 मैंने आपको दे दिया। ये पूरा अध्याय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अभी प्रार्थना का समय है, दिस इज द प्रेयर टाइम। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, मेहरबानी करके जो लोग आगे वो भी अपनी आंखें बंद रखिए, जो पीछे और एकदम आखिरी में है, प्लीज डोंट ओपन योर आईज, आपकी आंखों को मत खोलिए। अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सारे डेडिकेटेड लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, कितने प्यारे जवान भाई और जवान बहन है मेरे सामने खड़े। प्रभु, केन की तरह जीवन था उनका, प्रभु नाश की ओर जा रहे थे वो लोग, अपनी इच्छाओं को मार रहे थे, अपनी भावनाओं को मार रहे थे, अपनी सोच को मार रहे थे। पर प्यारे प्रभु, हमने संदेश को सुना, हमारा जीवन केन की तरह नहीं होना चाहिए। केन के परिवार में जितने भी पैदा हुए सारे के सारे नेगेटिव पैदा हुए, लेकिन बाद में आप तीसरा वाला जो लड़का था आदम हवा का, वो सेठ था। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी जवान भाई बहन यहाँ पूरी समर्पण की भावना के साथ खड़े हैं, प्रभु आप उनके दिल के अंदर पैदा हो जाइए। 25 दिसंबर के दिन उन्होंने अच्छा खाना खाया होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट ए ग्रेट सेलिब्रेशन। बट टुनाइट व्हेन दे एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, दिस इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ देयर लाइफ, माय लॉर्ड जीसस। प्रभु, जब ये लोग आपको अपना व्यक्तिगत तारनार मान रहे, उद्धारकर्ता मान रहे, यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे जवान भाई और बहन के बदलाव के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, केन का जीवन खत्म हो गया, अभी प्रभु उनके जीवन के अंदर सेठ की उत्पत्ति करो, क्योंकि सेठ के बाद अनोस आता है, बढ़ोतरी होती है और सारे लोग प्रार्थना करने लगे। प्यारे प्रभु यीशु, ये भाई और बहन आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं, नए जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप तो प्रार्थना की सुनने वाले परमेश्वर हो। भजन संहिता 65:2 में लिखा है कि प्रार्थना के सुनने वाले तेरे पास सारे संसार के लोग आएंगे। यू आर द लिसनर ऑफ प्रेयर माई गॉड।
माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई हम्बली प्रे फॉर एवरी यंग गाइस हु डेडिकेट टुनाइट डेडिकेट देयर लाइफ इनटू योर हैंड माय लॉर्ड जीसस चेंज देयर लाइफ लॉर्ड जीसस राइट नाउ चेंज एवरीवन गॉड एंड गॉड You make them completely, completely pure life, God. Jesus, hallelujah. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए आत्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए प्यारा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए प्यार प्रभु प्रभु ये आपके बच्चे हैं They are your beloved child, my God. They are beloved son and daughter, my God. Love them, save them, protect them, and wash their sin, my Lord Jesus. प्रभु उनके सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए कितने प्यारे भाई और कितनी प्यारी बहनें यहाँ पर खड़ी है शरीर से तो वो खुश दिखती थी लेकिन मन की टूटी हुई थी ये बहन लेकिन यीशु राजा आज आप उनके जीवन में आ जाओ उनके जीवन को बदल दो उनके जीवन को संवारो जितने लोगों ने प्रभु आज आपके सामने पापों की कबूलात की है प्रभु बड़ी नम्रता के साथ मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके पापों को क्षमा कर दो आप उनके उनको नया जीवन बख्श दो प्रभु आज की रात उनके लिए चंगाई की रात बने आज की रात उनके लिए बदलाव की रात बन जाए प्रभु ना सिर्फ जवान लोगों के प्रार्थना करता हूँ प्रभु लेकिन उन सारे भाई बहन बुजुर्ग पास्टर अगले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ शायद 2015 में उनका जीवन अच्छा नहीं था कैन की तरह वो जीवन जीते थे लेकिन आज उनके जीवन के अंदर अनोस पैदा करो सेट पैदा करो प्रार्थना और अभिषेक उनके जीवन में डाल दीजिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दासू भाई के लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये सारे आयोजक नियोजक लोगों के लिए बड़े अच्छा मीटिंग का आयोजन किया क्योंकि आज रात चाहते थे वो लोग कि लोगों के जीवन बदल जाए थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल नाइट एंड वंडरफुल मीटिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट गॉड आई हम्बली थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु मैं बड़े नम्रता से धन्यवाद देता हूँ ये सारे मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने इतने अच्छी मीटिंग का आयोजन किया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए आप उनको नया जीवन दीजिए नई सोच दीजिए नई दिशा दीजिए उनकी दशा आप अच्छी बना दीजिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके पर आने दीजिए और उनको नया जीवन बख्श दीजिए प्रभु उनके लिए एक नया चैप्टर आप आरंभ कर दीजिए प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन, आमीन।